जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो कर लो, तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है, जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछताई है, अवसर भी है, समय था तो प्रयाश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप, नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना, अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करे बिना किसी प्रश्न के, संशय के, उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, पर पाखंड दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं है कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं, बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, आप भगवान के अंश हैं, आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए, आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुए है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे भूल है, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, भगवान के अंश तुम्हें मानव देह दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पापनाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप विषय विलासिता और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई मोरे सन्मुख आओ, तो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से, लाडली रुथारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल है, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब हम अपने आराध्य देव श्यामा से हमको आशीर्वाद दे सकते फिर और कौन बचा, तो किसके बल से, उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते, क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते। समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मान लो प्रार्थना कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं, न राधा न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदानि तत् प्रेम भाजाम।
प्रेम भाजाम जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार, किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना पीना, रहना जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा, दुर्लभ हो मानुषो देहो, बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्त होने के, भजन रूपी धन कमाने के। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़कर के तुम नहीं हो, पशु से नीचे ही हुए, क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे, कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों। सच्ची मानो, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना ये बैठ जाए दिमाग। भोगों में सुख नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं।